हरियाणा में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन ने थामा कांग्रेस का दामन, भाजपाइयों में भारी दहशत। आपको बता दें, हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव और देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है ताकि चुनाव में बम्पर जीत हासिल की जा सके। एक दल से दूसरे दल में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आपको बताते चले, हरियाणा के पानीपत से भाजपा समर्थित जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य मलिक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जाकर पार्टी ज्वाइन की, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराया। पानीपत जिला परिषद के चुनाव में वार्ड 14 से बीजेपी समर्थित सुरेश आर्य ने जीत हासिल की थी। इन्होंने न केवल जीत हासिल की बल्कि जिला परिषद के उप प्रधान के लिए भी दावेदारी ठोकी है। फिलहाल उनके कांग्रेस में जाने से भाजपाइयों में भारी दहशत फैला हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस सारे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।